नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। बलिया जनपद में महिला अधिकारी की दबंगई आई सामने। डीएफओ बलिया श्रद्धा यादव की दबंगई से तंग आकर कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे। फील्ड में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों से कराती हैं अपने आवास का काम, कर्मचारियों ने लगाया डीएफओ बलिया के ऊपर आरोप। 10-12 कर्मचारियों को जबरदस्ती आवास पर रखकर कराती हैं घर का पर्सनली काम। डीएफओ बलिया श्रद्धा यादव के दबंगई से तंग आकर फॉरेस्ट कर्मचारी संगठन बैठा धरने पर। डीएफओ ने वन विभाग के सेना विरहित कर्मचारियों का कई साल से पेंशन रोका। कर्मचारियों ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बावजूद भी नहीं सुनती है डीएफओ बलिया। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने डीएफओ श्रद्धा यादव का जमकर लगाया मुर्दाबाद का नारा। डीएफओ बलिया अपने पद का पावर दिखाकर कर्मचारियों का करती है शोषण। बलिया से न्यूज़ 9 भारत के लिए आनंद दुबे की रिपोर्ट। महामंत्री उत्तर प्रदेश वन रक्षक संघ जी, आज किस तरह की बैठक आप लोग कर रहे हैं? ये जिला कार्यकारिणी जो है यहाँ धरना कर रही है। डीएफओ साहब के यहाँ जो प्रभागी वनाधिकारी हैं उनके शोषण और अत्याचार और भ्रष्टाचार। कैसा शोषण करते हैं और शोषण भ्रष्टाचार करती है? 8 कर्मियों को मैडम अपने आवास पे रखती है जबकि वो कर्मचारी फील्ड में काम करते हैं। यहाँ पे 10-12 कर्मचारियों का जो 2 साल पहले सेवानिवृत्त हो गए हैं, सेवा से निवृत्त हो गए हैं, उनका आज तक पेंशन नहीं बनाया गया। ये घोर अराजकता की श्रेणी में आता है। कोई भी कर्मचारी जब रिटायर होता है तो 6 महीने पहले से शासन के नियम हैं कि उनके पेंशन की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से बनाया जाए और रिटायर होते होते 1-2 महीने में उस कर्मचारी के परिवार को या उसको लाभ मिले और अपना पेंशन गुजर बसर करे। सरकार की नीतियों के खिलाफ 2-2 साल बीत गए और यहाँ के कर्मचारी जो 10-12 हैं, कुछ लोग कोर्ट में भी गए, न्यायालय का आदेश भी उनके पक्ष में आ गया कि उनके पेंशन बनाया जाए, लेकिन न्यायालय के आदेश को भी धत्ता बता करके उन कर्मचारियों की पेंशन नहीं दे रहे। ACP यहाँ देखा जा रहा है कि ACP समय से 10-16-26 वर्ष पर लग जाती है, 2-2 साल बीत जाने के बाद भी यहाँ ACP नहीं लगाई जा रही जिसको प्रोन्नत वेतन मान कर। तो ढंग से शोषण यहाँ के कर्मचारियों के लिए किया जा रहा है, जंगल राज कायम हो गया है। तो मैडम के शोषण किस प्रकार से करती हैं, कैसे करती? अब शोषण ACP नहीं लगा रही हैं। जैसे मान लीजिए 10 साल इनकी सेवा हो गई तो इनको अगला ACP ग्रेड मिलना चाहिए, और 2 साल नहीं दिया जाएगा तो बेचारा कम तनख्वाह पाएगा। जो रिटायर हो गया उसका पेंशन नहीं देंगे तो कहाँ से खाएगा? क्या नाम है मैडम का? किसका? मैडम का श्रद्धा यादव जी। क्या डिमांड करती हैं आप लोग से? अभी आप बता रहे हैं कि अपने आवास पे 10-12 कर्मचारियों को रखी हैं, क्या करवाती हैं अपने आवास पे? क्या करवा? अपना झाड़ू घर का बेगार कराती होंगे और क्या कराती होंगे? अच्छा, घर का बेगार कराती हैं। 9 आदमी और वो भी फील्ड में तैनात हैं। जिन कर्मचारियों को आवास पे लगा रखा है सब फील्ड में तैनात। क्या ये जायज है कराना? कतई नहीं जायज। जो उनको मिला हुआ है ड्राइवर खलासी नौकर उन्हें से वो काम ले सकते हैं। मतलब इतना उनको नियम में सरकारी वो अधिकारी हैं अपने आवास पे सरकारी कर्मचारियों को भी पद का दुरुपयोग करके आप 20 कर्मचारी को आवास पे थोड़ी लगा सकते हैं। 8-9 कर्मचारी अगर उनके आवास पे काम कर रहे हैं तो अनलीगल काम कर रहे हैं। मतलब झाड़ू पोछा करते हैं क्या वहाँ पे? जो भी करते हो ये तो हम देखने नहीं गए हैं। हाँ, जो भी करते हो उन लोगों का काम क्या है जो वहाँ पे आवास पे रहते हैं? जो आवास पे रहते हैं कोई माली है, कोई चौकीदार है, सब फील्ड में तैनात हैं। और फील्ड कर्मचारियों को जो फील्ड में तैनात है उनको ऑफिसों में भी द्वारा काम लिया जा रहा है। मतलब ये माना जाए कि सरकारी काम को छोड़ के अपना पर्सनल काम करवा रही है, अपनी सुविधा का ध्यान दे रही है। अपने आवास पे पर्सनल ही काम हो गया। अगर उनके आवास पे 1-2 माली होंगे जो नियम में, उनको रखे। 8-9 कर्मचारियों को क्यों लगा करके रखे? ठीक, तो यही आप लोग की मांगे हैं जी। आगे मांगे नहीं पूरी होती क्या करेंगे? अब आगे अगर मांगे नहीं पूरी होती हैं तो यहाँ के मुख्य वन संरक्षक और वन संरक्षक महोदय से मैं अभी अभी पहुँचा हूँ, बात किया जाएगा। जरूरत पड़ेगा तो कितने लोग रिटायर हुए हैं? कम से कम 10-12 लोग रिटायर। कितने समय हो गए रिटायर हुए? 1-2 साल।
आखिर क्या कारण है उनको उनको नहीं वेतन मिल रहा है, उनका पेंशन नहीं जारी, पेंशन नहीं जारी है तो इनकी कमी है ना। इनका तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं वो लोग भी कहीं किसी कारणवश से या कहीं भ्रष्टाचार, उनकी हट धार्मिकता है, वो नहीं बनाना चाह रहे हैं। पांच साल तभी तो आदमी कोर्ट में जा रहा है। सरकार का नीति है कि जो भी कर्मचारी रिटायर हो 6 महीना पहले से उसकी पेंशन उसको मतलब शिथिल करते हुए 6 महीना आप लोग कोर्ट में भी गए थे। हाँ, कर्मचारी यहाँ जो कोर्ट में गए थे, क्या हुआ कोर्ट से? कोर्ट से भी विजय मिली है, तब भी वो नहीं बना रही, मौजूद भी यहाँ पे नहीं, नहीं बना रही क्या? क्या? तो मतलब कागज पत्र सब लेकर के आगे जिलाधिकारी से मिले हैं इस मामले को लेकर? जिलाधिकारी से? जिलाधिकारी अभी यहाँ देख लिया जा रहा है वन विभाग पर, नहीं तो DM कार्यालय धरना लगेगा। और जब तक इस मामले की कर्मचारियों के साथ न्याय नहीं होगा तब तक के आंदोलन चलेगा, जरूरत पड़ने पर आंदोलन लखनऊ तक भी ले जाया। अभी एक और दिवसीय धरना है आपका अनिश्चितकालीन है।